झाड़ छोड़नी वृद्धि अने सारो पाक उत्पादन मेळववा जरूरी प्राकृतिक संसाधनों होय एनो उपयोग खेती में करवो ए छे देशी गाय आधारित प्राकृतिक खेती। मुख्य आधार देशी गाय नो गोबर अने गौमूत्र। छोड़नी दिशा उत्तर दक्षिण होवाने कारणे मबलक पाक उत्पादन। सहयोगी पाक द्वारा कीट नियंत्रण थाय छे। आवरण करवाथी जमीन में कार्बन टकी रहे छे तथा हवामांथी भेजने लई छोड़ने आपे छे। सूक्ष्म पर्यावरण उभू करे छे। केशाकर्षणना सिद्धांतने कारणे छोड़ ऊंडेथी पोषक तत्वों मेळवे छे। देशी गाय आधारित प्राकृतिक खेती में जमीन ने भरभरी अने पोची बनावामां अळसिया मुख्य आधार छे। आच्छादन जे जमीनना उपरना स्तरमां पाणीनी उपलब्धता जाळवे छे। देशी गाय आधारित प्राकृतिक खेती में रासायणिक जंतुनाशक दवाओं ने स्थाने दशपर्णी अर्क जे बधा प्रकारनी जीवात अने फूगना नियंत्रण माटे सर्वोत्तम छे। सौथी पहला प्रथम दिवसे 20 लीटर गौमूत्र 2 किलो गायनु ताजू छाण लई तेने 200 लीटर पाणी भरेला ड्रममां उमेरी लाकड़ीथी मिक्स करी 2 कलाक छायडामां कोथळाथी ढांकवो। त्यारबाद तेमां 500 ग्राम हळदर पाउडर 500 ग्राम आदुनी चटणी तथा 10 ग्राम हिंगनो पाउडर उमेरी मिश्रणने बराबर मिक्स करी आखी रात कोथळाथी ढांकी राखवो। बीजा दिवसे आ तैयार करेल मिश्रणमां सवारे 1-2 किलो तीखा मरचानी चटणी 500 ग्राम देशी लसणनी चटणी 1 किलोग्राम तमाकुनो पाउडर नाखी लाकड़ीथी मिक्स करी फरीथी तेने कोथळाथी ढांकी दो। हवे त्रीजा दिवसे अहीं दर्शावेल अ अने ब वनस्पति पैकी बन्नेमांथी कोई पण 5 वनस्पति पसंद करी तेना 2 किलोग्राम पान एटले के कुल 20 किलोग्राम पान लई तेनी चटणी बनावी तेने पण तैयार करेल मिश्रणमां उमेरी मिक्स करी लो। फरी आ मिश्रणने लाकड़ीथी मिक्स करी फरीथी तेने कोथळाथी ढांकी दो। हवे आ मिश्रणने कुल 30-40 दिवस वरसाद अने सूर्यना तापथी दूर राखी दररोज 5-5 मिनिट दिवसमां बराबर मिक्स करवो। आम दशपर्णी अर्क तैयार थई जशे। आ तैयार थयेल दशपर्णी अर्क 6-8 लीटर लई तेने 100-200 लीटर पाणी साथे मिक्स करी 1 એકરમાં છંટકાવ કરવો। આ દશપર્ણી અર્ક 6 મહિના સુધી ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે। સરકાર શ્રી દ્વારા દેશી ગાયના નિભાવ ખર્ચ માટે મહિને રૂપિયા 900 એટલે કે વાર્ષિક રૂપિયા 10,800 ની સહાય આપે છે। તેમજ પ્રાકૃતિક કૃષિ કીટ સહાય યોજનામાં 200 લીટરનું એક ડ્રમ 10 લીટરના 2 ટબ અને 10 લીટરની 1 ડોલ ખરીદી માટે કીટના થનાર ખર્ચના રૂપિયા 1,350 ની સહાય સરકારે આપેલ છે। ક્યાં થયો ખર્ચ? ઓછી ખર્ચાળ ખેતી SPNF પદ્ધતિ એટલે કે સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક કૃષિ એટલે ડાંગના ખેડૂતો કહે છે ખેતી માટે કોઈ ખર્ચ નહીં, ખેડૂતને માથે કોઈ કર્જ નહીં।